बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम पब्लिश कमांड यूज़ करते हुए मल्टीपल लेआउट से वन पीडीएफ फाइल क्रिएट करना सीखेंगे। फॉर एग्जांपल, मेरे पास ऑटोकैड के मॉडल स्पेस में मुख्तलिफ ड्राइंग्स पड़ी हुई हैं जिनके मैंने ऑलरेडी लेआउट्स क्रिएट करके रखे हुए हैं। मेरी इस ड्राइंग में तकरीबन 62 लेआउट्स क्रिएट किए गए हैं। मैं इन तमाम लेआउट्स का वन क्लिक के साथ पीडीएफ फाइल क्रिएट करके प्रिंट निकालना चाहता हूं, तो उसके लिए मैं पब्लिश कमांड यूज़ करूंगा। कमांड बार के अंदर डायरेक्ट पब्लिश टाइप करेंगे तो पब्लिश कमांड एक्टिव हो जाएगी। इसके अलावा हम एप्लीकेशन बटन पर क्लिक करते हुए प्रिंट के ऑप्शन में जाकर बैच प्लॉट ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो हमारी पब्लिश कमांड एक्टिव हो जाएगी। जैसे ही हम बैच प्लॉट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास पब्लिश की विंडो ओपन हो जाएगी। पब्लिश विंडो में सबसे पहले जहां पब्लिश टू लिखा हुआ है वहां ड्रॉप डाउन बटन पर क्लिक करते हुए पीडीएफ ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट, ऑटोमेटिकली लोड ऑल ड्राइंग के बॉक्स को चेक इन कर लेना है। इसके बाद हमें नीचे मॉडल स्पेस और लेआउट की तमाम ड्राइंग शो हो रही हैं। मैंने मॉडल स्पेस की ड्राइंग को डिलीट करना है, इसलिए उस फाइल को सिलेक्ट करने के बाद डिलीट बटन पर क्लिक करते हुए मॉडल स्पेस की तमाम ड्राइंग्स डिलीट कर रहा हूं। जस्ट मैं अपने लेआउट्स की तमाम फाइल्स की पीडीएफ क्रिएट करूंगा। यहां मुझे अपनी ड्राइंग के तमाम 62 लेआउट शो हो रहे हैं, इसलिए नेक्स्ट अब हम पब्लिश ऑप्शन बटन पर क्लिक करते हुए लोकेशन सेलेक्ट करेंगे जिस जगह पर हमने अपनी फाइल को सेव करना है। मैंने अपनी पीडीएफ फाइल को डेस्कटॉप पर सेव करना है, इसलिए डेस्कटॉप ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद ओके बटन प्रेस कर देना है। इसके बाद हम दोबारा से अपनी पब्लिश की विंडो में आकर जहां हमारे लेआउट्स फाइल शो हो रही हैं उनके सामने हमने चेक कर लेना है कि हमारी किसी फाइल में एरर तो नहीं है। आप देख सकते हैं मेरी तमाम फाइल्स के सामने ग्रीन टिक मार्क शो होने के साथ साथ नो एरर लिखा हुआ नज़र आ रहा है। कंप्लीट सेटिंग के बाद जब हम पब्लिश बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक नई विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ हमने अपनी फाइल का नाम टाइप करना है। मैं अपनी इस फाइल को सर्वे बुक का नाम दे रहा हूँ। नेक्स्ट, हमारे पास सेव शीट लिस्ट का ऑप्शन आता है, यहाँ हम नो बटन प्रेस करेंगे। अब हमारी तमाम फाइल्स पीडीएफ में कन्वर्ट होकर एक फाइल की शक्ल में हमारे पास डेस्कटॉप पर शो हो जाएंगी। अभी ये जो स्टेटस हमारे पास शो हो रहा है, ये स्टेटस हमें बता रहा है कि हमारी फाइल पब्लिश हो रही है। इन तमाम फाइल्स को कन्वर्ट होने के लिए 30 सेकंड से 1 मिनट तक रिक्वायर्ड होता है, इसलिए लास्ट में जब हमारी तमाम फाइल्स पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाएंगी तो आप देख सकते हैं हमें एक मैसेज रिसीव हुआ है। प्लॉट एंड पब्लिश जॉब कंप्लीट के मैसेज के बाद हमारी फाइल डेस्कटॉप पर सेव हो चुकी है। हम अपनी इस फाइल को ओपन करके चेक कर लेते हैं। मेरे तमाम 62 लेआउट की एक वन पीडीएफ फाइल क्रिएट हो चुकी है, आप देख सकते हैं। ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।